नमस्कार। बच्चों में जब दस्त होते हैं तो आमतौर से बच्चे खाते पीते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लैट्रिन करते रहते हैं, तो उनको खाने पीने का ध्यान रखे घर में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चों को पेचिस लगते हैं, जिसे डाइसेंट्री की शिकायत कहते हैं, उसमें बच्चे लैट्रिन बार बार करते हैं, लैट्रिन में आव होती है, म्यूकस होती है, सफ़ेद सफ़ेद पीली पीली सी चिकनी चिकनी सी लैट्रिन ऐसे करते हैं कि जिसमें लैट्रिन की मात्रा तो कम है लेकिन आव की मात्रा ज़्यादा होती है, जो बलगम जैसी नोजी जैसी लगती है, तो उसमें कभी कभी झाग सी होती है और कई बार उसमें ब्लड भी आने लग जाता है। इसमें बच्चों को पेट में मरोड़े उठते हैं और बड़ा बच्चा निढाल सा हो जाता है, ढीला सा हो जाता है, खाना पीना भी छूट जाता है बच्चे का और बच्चे का तेज़ी से वज़न भी कम होने लगता है। क्योंकि इसमें अलग कारण है बीमारी का, मैं आज उसके इलाज के बारे में बताऊंगा, क्या उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, क्या हम घर में देख रेख कर सकते हैं, क्या इफेक्टिव होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, सारा आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी ये वीडियो सेशन किया था तो कई सारे पेरेंट्स के बड़े सारे कमेंट्स आए, तो अभी भी आप खूब सारे कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी वीडियो ध्यान से देखें जिससे कि पूरा ट्रीटमेंट आपको छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक सबका ट्रीटमेंट पता लग जाए। तो मैं आपको कारण बताता हूँ। जो दस्त होते हैं आमतौर से वो छोटी आंत का इन्फेक्शन होता है, वो वायरस से होते हैं और यूजली घर पे खान पान का ध्यान रखें घर पे मैनेज हो सकते हैं। लेकिन जो डाइसेंट्री है, ये पेचिस की कहते हैं, मरोड़ जिसे कहते हैं, इसमें जो बड़ी आंतें हैं, बड़ी आंत कोलन, इसके अंदर घाव हो जाते हैं, ये एक तरह के बैक्टीरिया से या तो होता है, जैसे ई कोलाई, स्यूडोमोनास, क्लेबसिएला और साल्मोनेला, या फिर अमीबा से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो इसमें आंतों के अंदर से आंतों के जो मेम्ब्रेन है, लेयर, वो छिलने लग जाती है म्यूकस के रूप में, फिर पोटी से बाहर आती है, इसमें बच्चा बहुत ढीला हो जाता है। तो इसके अगर कारण की हम बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, अगर माँ के खान पान में गड़बड़ी हो तो उससे फिर बड़े चांस हो जाते हैं इसके होने के, इन्फेक्शन के। अगर बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों में सफाई का ध्यान रखना इसका बहुत बड़ा कारण है। या तो जो बच्चे को माँ अगर दूध पिला रही है तो माँ के अगर हैंड हाइजीन ठीक नहीं है, अपने हाथ अच्छी तरह से नहीं धोए, जो बच्चे को पोटी भी साफ़ करनी है, बच्चे को दूध भी पिलाना है, उसमें ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर बच्चे हैं, बच्चे भी स्कूल में जाते हैं या घर में भी हैं, जल्दी जल्दी में हाथ धोते हैं या सफाई का ध्यान ना रखें, बाहर से कोई गाजर आई, कोई सब्ज़ी आई बाहर से, ऐसे बिना अच्छी तरह से बिना धोए खाली, उसमें भी ऐसे दिक्कत हो सकती है। या फिर अगर जैसे बच्चे स्विमिंग पूल में गए और वहाँ पे कोई बच्चे ने शुशु पोटी भी कर दी, दूसरे बच्चे के मुँह में भी पानी जा रहा है, ये फिकोरल ट्रांसमिशन, ये भी बहुत बड़ा कारण है। या फिर बाहर से वेंडर्स की चीज़ें खा ली, कटे हुए फल खा लिए, कोई पार्टी में गए, पहले से बना हुआ खाना रखा था, या फिर ट्रैवलिंग करी कोई, ट्रैवलिंग में कंप्रोमाइज़ हो गया, तब भी ऐसे इसके डाइसेंट्री के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन कारणों का ध्यान रखें। अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। एक तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, उसके अलावा होम रेमेडीज है। सबसे बड़ा इसका ट्रीटमेंट है हाइड्रेशन का ध्यान रखना। अगर हम हाइड्रेशन की बात करें, या तो आजकल बड़े अच्छे इफेक्टिव टेट्रापैक आते हैं ORS के, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो WHO सर्टिफाइड होते हैं, तो ये ORS भी दे सकते हैं बच्चों को, ये बच्चे इफेक्टिव ले लेते हैं। ये 20, 25, 30 रुपए तक का आता है, 25-30 रुपीज़ का ORS आते हैं, या फिर ये पैक आते हैं, छोटे पैकेट आते हैं, ये भी दे सकते हैं। ये जैसे एक ग्लास पानी के लिए 3-4 रुपए का आता है, ये 15-20 रुपए का आता है, ये 1 लीटर पानी के लिए है टेट्रापैक, ये जो शैशे है बड़ा, तो इससे भी ये भी बच्चों को दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं, या फिर घर में भी बना सकते हैं ORS। जैसे एक गिलास पानी है ये, तो एक गिलास पानी में एक चम्मच देसी खांड और एक चुटकी नमक ऐसे मिला के इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। ये नींबू निचोड़ सकते हैं इसमें, इससे टेस्ट इसका ठीक हो जाता है, उससे भी बच्चे ले सकते हैं। इसी तरह से अगर 1 लीटर पानी के लिए बनाना है, इसमें 5 गिलास पानी है लगभग, तो 5 गिलास पानी में लगभग 5 चम्मच देसी खांड, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 चम्मच देसी खांड डाल दी हमने इसमें, और 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, ये ऐसे मिला के ये ORS बन गया। इसमें 1 नींबू निचोड़ सकते हैं लगभग ऐसे करके, इससे थोड़ा सा टेस्ट बच्चे को अच्छा लगता है, ऐसे करके ये भी दे सकते हैं। इस तरह से ये ORS घर पे बन गया। या फिर छाछ दे सकते हैं बच्चे को, छाछ घर में थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा भी भून के डाल सकते हैं इसमें, इससे भी बच्चे इफेक्टिवली हाइड्रेशन हो सकता है। दूसरा, जैसे नारियल पानी दे सकते हैं बच्चे को, हाइड्रेशन इससे ठीक रहता है। ये बेलपत्थर है, बेलपत्थर का शरबत बना के दे सकते हैं, बड़ा ठंडा रहता है आयुर्वेद की दृष्टि से, और इससे डाइसेंट्री बड़ी जल्दी ठीक होती है, पेचिस के हाथ में बड़ा अच्छा रहता है। इसका मुरब्बा या कैंडी आते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जामुन का भी बड़ा अच्छा फ़ायदा रहता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जामुन जितना बच्चा आराम से ले सकते हैं जामुन दे सकते हैं, लेकिन दूध अगर पिलाएं तो दूध के साथ एकदम जामुन ना दें, ये ध्यान रखना है। जो बड़े बच्चे हैं, जो कोऑपरेटिव हैं, वो शीशम के पत्ते भी अगर चबा के ले लें, तो 15-20 पत्ते भी शीशम के ले सकते हैं, ऐसे चबा के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जैसे आलू है, आलू जैसा टेस्ट होता है, या फिर जैसे प्याज जैसा टेस्ट होता है, इसका कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, तो शीशम के पत्ते बड़े अच्छे ठंडे रहते हैं। अनार भी दे सकते हैं बच्चों को। फिर है कि हम क्या ना दें, जो बड़े बच्चे हैं, भारी चीज़ ना खाएं, जैसे स्पाइसी मिर्च मसाले की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें,
बाजार की खुली चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें, कैंड फूड, स्टोर फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ना दें, मेवे छाछ दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स मेवे ज़्यादा ना दें, कच्चे सलाद से गैस बनती है उससे बचाव रखें, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक मटर राजमा छोले ये ना दें। जो छोटे बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं, 5-6 महीने तक के बच्चे हैं, तो वो उनकी माँ भारी चीज़ ना खाएं, एसिडिटी वाली चीज़ ना लें, जैसे चाय परांठा चार तली चीज़, उड़द राजमा छोले पनीर मटर जिनसे गैस बनती है वो ज़्यादा ना लें, फिर बाजार की बनी चीज़ें ये ना लें, और अपनी लाइफस्टाइल भी माँ ठीक रखे। जब बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ सुबह उठे थोड़ा वॉक करके आए, भोजन जो आसानी से पचने वाला भोजन है वो ले उससे अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात बताता हूँ कि ट्रीटमेंट क्या करें, क्योंकि अगर बच्चों को बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या अमीबिक डायसेंट्री है तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट भी करना है, कभी कभी तो टेस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। वैसे एक अनुभवी डॉक्टर को डायसेंट्री के सिम्टम से पता लग जाता है कि खूनी पेचिस है, डायसेंट्री है, मरोड़े की दिक्कत है, तो इसमें दवाई हम दे सकते हैं। तो इसलिए अदरवाइज एक तो एंटीबायोटिक भी, अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटीबायोटिक के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन का बड़ा अच्छा एक प्रोविज़न कर दिया है, तो कंसल्ट करके एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फिजिकली दिखा सकते हैं फिजिकली दिखा के भी, जैसे आपको जिस तरह का टेस्ट में इन्फेक्शन आया है उसी हिसाब से जैसे ये एंटीबायोटिक्स हैं ये दे सकते हैं, या फिर अगर दर्द है तो पेन किलर दवाई भी दे सकते हैं, मेफेनमिक एसिड वगैरह की, और जो छोटे बच्चे हैं ये एंटीबायोटिक सिरप के रूप में एंटीमाइक्रोबियल दे सकते हैं, और साथ में प्रीबायोटिक्स जैसे छाछ एक तरह की नेचुरल प्रीबायोटिक है, इसी तरह से ये प्रीबायोटिक के सैशे हैं, ये भी एक सुबह एक शाम ट्यूब के फॉर्म में भी आते हैं और पैकेट के फॉर्म में भी ये दे सकते हैं। और बाकी अगर ब्लड आ रहा है तो ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल का इंजेक्शन एक होता है जो पिला सकते हैं बच्चे को, ये जैसे शरबत में मिला के पिला सकते हैं, सब्जी दाल में मिला के पिला सकते हैं, इससे भी बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है डायसेंट्री का। तो ऐसे होलसम ट्रीटमेंट बच्चे का करें जिससे कि अक्सर एक हफ्ते में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है 90% ऑफ द टाइम। तो इसलिए इस पूरे ट्रीटमेंट की भी हेल्प लें और बच्चे को मोरली सपोर्ट दें, बच्चे को अच्छे मौसम में थोड़ा खेलने के लिए मौका दें, उसके साथ उसको टाइम ज़्यादा दें, क्वालिटी टाइम दें बच्चे को, उससे जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। पिछले सेशन में भी जब मैंने लाइव सेशन किया था तो बड़े सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आए थे, मैं चाहता हूँ कि पूरी वीडियो ध्यान से दोबारा आप अगर देखेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से इसका ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी करें, और मेरे तो इस यूट्यूब के चैनल पर हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ के वीडियोस हैं, बच्चों की हेल्थ के बारे में, सभी तरह की बीमारियों के बारे में मैंने वीडियो सेशन वो किए हैं, आप देखें। और ये फ़ोन नंबर भी है, कंसल्टेशन के लिंक इसमें दिए हैं, फ़ोन भी करें, ये लैंडलाइन भी है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी करें। थैंक यू।